गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला में ये पाठ चार क्या है, कागज की नाव। तो ये कविता है, इस कविता को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तीन चार बार पढ़िए तो ये आपको इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो आपको आंसर बन जाएंगे, इसी में से भी आएंगे और इधर से भी अभ्यास कार से भी आएंगे, तो कहीं से भी आएगा आप इसको तीन चार बार पढ़ लेंगे ना तो आपको आंसर अपने आप बन जाएगा। तो इसको सब घर में दो तीन चार बार पढ़ लीजिएगा पोयम को। आगे देखिए, ये शब्दार्थ है इसके, इठलाना गर्व करना, जलधार जल की धारा, पूर्वैया मतलब पूरब की हवा, हैया है नाव को चलाते समय जो नाविक रहता है वो ऐसी आवाज निकालते हैं, हैया है हैया है। मझधार मतलब नदी के बीच की धारा, नदी के बीच से जो धारा निकलती है उसको मझधार कहते हैं। तो ये शब्दार्थ भी आप लोग अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिएगा, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है, और पोयम भी लिखना है नोटबुक में, पिक्चर भी बनाना। देखिए अभ्यास कार्य, नाव शहर और गांव कैसे जाएगी, तो इसका आंसर हम कॉपी में लिखे हैं क्योंकि यहाँ तो जगह दिया नहीं है लिखने को। तो नाव कैसे जाएगी शहर और गांव, तो नाव शहर और गांव लहराते हुए जाएगी, ये इसका आंसर है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, नाव कहाँ थिरक रही है, तो नाव कहाँ थिरक रही है, नाव मझधार में थिरक रही है, मतलब बीच धारा में, नदी की बीच धारा में थिरक रही है। फिर देखिए, आप क्या संदेश लिखकर अपनी नाव में रखना चाहेंगे, तो हम क्या संदेश लिखेंगे, हम एकता और प्रेम से रहने का संदेश लिखकर अपनी नाव में रखना चाहेंगे, तो इसका आंसर हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, नीचे लिखे कथन को सही वाक्यांश से जोड़कर लिखिए, नाव पानी के पांव से चल रही है क्योंकि, अब इसमें से नाव के पांव नहीं होते, पानी के पांव नहीं होते, नाव पानी के बिना चल नहीं सकती, तो कौन सा सही होगा, ये ग वाला, ये दोनों गलत हैं, ये सही है कि पानी के बिना नाव कैसे चलेगी, हवा में तो चलेगी नहीं, तो नाव पानी के पांव से चल रही है क्योंकि नाव पानी के बिना चल नहीं सकती। फिर कविता की पंक्तियां पूरी कर लीजिए, कागज की नाव चली पानी के पांव चली, लहर लहर दौड़ रही शहर चली गांव चली, छोड़ छोड़ नदियों को सागर के पास चली, फिर नाव नए देश चली लेकर संदेश चली, थिरक थिरक नाच नाच परियों के देश चली, सबकी तो डूब गई मेरी उस पार चली। तो ये कविता की पंक्तियां हैं जो आपको पूरा करना है, ये थोड़ा थोड़ा सा दे दिया है, इसी लाइन को आपको पूरा करना है। फिर आगे देख लीजिए, आई की मात्रा के शब्द कविता में से चुनकर लिखिए, उच्चारण कीजिए। अब एक शब्द उसने लिखा है नैया, फिर इसमें लिखा भैया, हैया है, पुरवैया, ये सब क्या हुआ, ये आई की मात्रा वाले शब्द। एक समान शब्दों के जोड़े कविता में से चुनकर लिखिए, जैसे एक चीज लिखा हुआ उदाहरण के लिए लहर लहर, तो छोड़ छोड़, थिड़क थिड़क, नाच नाच, ये जोड़े वाले शब्द कविता में दिए हुए हैं। अब एक शब्द में से अनेक सार्थक शब्द बनाकर लिखिए, देखिए कागज लिखा है तो काग बनाया, फिर काज बनाया, फिर गज बनाया, फिर जग बनाया, इतने चार शब्द बन गए एक इससे। अब हम बनाएंगे, यहाँ देखिए मझधार का, धार मर झल और धाम, ये बन गया। अब सागर का देखिए, साग सार गर और रग, तो ये चार शब्द हो गए। अब दो दो पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखे, पर्यायवाची मतलब उसी के जैसे अर्थ वाले, समानार्थी भी कहते हैं इनको। तो नदी का क्या हुआ, सरिता और तटनी, जल का नीर और वारी, फूल का कुसुम, पुष्प, नाव का नैया और नौका, ये सब आप लोगों को पढ़ना है और याद भी करना है परीक्षा के लिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है कि इसका पर्यायवाची बताइए, है ये आई की मात्रा वाले शब्द लिखे, कुछ भी आ सकता है, इसलिए अभ्यास कार्य बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कविता भी पढ़िएगा, सब आपको पढ़ना है। अब एग्जाम होने वाले हैं आपके, इस मंथ के लास्ट में आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा, तो अभी से तैयारी कर लीजिए आप लोग। कविता में से क्रिया शब्द चुनकर लिखिए, बल खाना, देखो, दौड़ना, थिरकना, नाचना, चलना, लहराना और डूबना, क्रिया शब्द मतलब जो काम होता है, काम करना एक क्रिया कहलाती है ना, तो दौड़ना काम है, थिड़कना भी, नाचना भी, ये सब क्या है, काम है, तो इनको क्या बोलेंगे, क्रिया शब्द,
आगे देखिए नीचे लिखे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, अनेक शब्द हैं ये, इनके लिए एक शब्द बनाया, पूरब की हवा, पूर्व की हवा को क्या लिखा है, पूर्वैया, तो ये अनेक शब्द, तीन शब्द होगा ना, एक दो तीन, तो इसने एक शब्द बनाया। वैसे जल की धारा तो जलधारा, पानी के बीच की धारा मझधार, मझ मतलब बीच और धार, नाव चलाते समय बोला जाने वाला शब्द हैया है, तो ये हो गया एक शब्द अनेक शब्दों के लिए। आगे देखिए यहाँ पे रचनात्मक गतिविधि में क्या दिया है, कागज की नाव बनाइए और बरसात के पानी में उतारिए, तो अब बरसात तो खत्म हो गई है, कागज की नाव तो बच्चों से बनता ही है, और बना के सीख लीजिएगा। फिर चित्र पूरा कर रंग भरिए और अपना संदेश लिखिए। ये देखिए चित्र, इसको पूरा करके रंग भरना है इसमें, तो इसको आप लोग कलर कर लीजिएगा। और ये देखिए नाव बनी हुई है यहाँ पे दो है, तो अपना संदेश लिखिए, आप इस नाव में क्या संदेश लिखना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो ये आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ नाव के पास लिख दीजिए कुछ भी जो आपको संदेश देना है। यहाँ बॉक्स बना है ना, इसमें लिख दीजिए कि मैं नाव के साथ ये भेजना चाहता हूँ। जैसे उसमें हम लोगों ने क्या क्वेश्चन के आंसर में ये संदेश लिखा ना, हम लोगों ने तो लिखा प्रेम है, एकता और प्रेम से रहने का संदेश। आप लोगों को कुछ भी, जैसे ये देखिए इन लोगों ने फूल डाल के भेजा है नाव में, तो आप जो भी संदेश डाल के भेजना चाहते हैं ये बॉक्स में लिख सकते हैं ये, और इसको कलर कर लीजिएगा। और ये चित्र कलर करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ये नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भेज दीजिएगा, सभी बच्चों को भेजना है ये। और जो बच्चे नोट पूरा नहीं किए हैं वो करके और यही व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, क्योंकि 5 नंबर है उसमें, नहीं भेजेंगे 5 नंबर कट हो जाएगा। तो आपको नोटबुक पूरा करके दोनों हिंदी का और व्याकरण का, दोनों का, रीडर और व्याकरण दोनों का, और अपना नाम और सेक्शन जरूर डालिएगा, क्योंकि कई बच्चे भेजे हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं डाला, तो हम उसको देख नहीं सकते किसमें नंबर दें, किसके में नंबर दें, इसलिए अपना नाम और सेक्शन डालिए, तब तो हमको पता चलेगा किस बच्चे का आया है, तो उसके में नंबर हम दे देंगे। तो ये सब आप पूरा करके भेजिए और व्हाट्सएप नंबर पे अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करके भेजिए जिन्होंने नहीं भेजा है। धन्यवाद।